विजय कारगिल दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिकों के शौर्य को नमन करते हुए कहा कि कारगिल का वह दिन जब पाकिस्तान अपनी सैनिक भेजता है और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना को निर्देश दिया था, हमें अपने सैनिकों पर गर्व है कि इतनी दुर्गम चढ़ाई पर भी उन्होंने युद्ध में बड़ा इतिहास बनाया। इसमें कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिनके परिवार से कोई गया उनके लिए कष्टकारी है। इस गौरव दिवस पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेना को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश उनके साथ खड़ा है। साल पहले का आज का वो दिन कारगिल दिवस, जब हमारी देश की सीमाओं के अंदर बगल का देश पाकिस्तान अपने सैनिकों को घुसाता है और पूरा देश एक तरह से आश्चर्य में हो जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेना को निर्देश दिया और हमारी सेना पे हमको गर्व है, जिनने इतने दुर्गम चढ़ाई के बीच भी अपनी जीवटता के साथ न केवल देश की सीमा की रक्षा की बल्कि ये युद्ध का सबसे बड़ा इतिहास बना है। इतनी हाइट पे दुश्मन हो और दुश्मन के तमाम चुनौतियों के बीच न केवल हम अपनी वापस टाइगर हिल्स पर झंडा फहराते हैं बल्कि विजय की गाथा लिखते हैं। ऐसे अप्रतिम बलिदान के, योगदान के, सेना के साहस के एक अद्वितीय युद्ध में जीत का भारत का नया इतिहास बना है। मैं 25 साल हो गया, ये बहुत कठिन युद्ध था, इसमें से कई हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, कई लोगों के जीवन में ये बहुत कष्टकारी, जिनके परिवार से कोई गया उनकी आत्मा जानती है, लेकिन भारत के इतिहास के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है, जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए, जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और सेना को बधाई देता हूँ। देश उनके साथ खड़ा है, जब भी चुनौती आएगी सेना हमारी सब तरह से समर्थशाली है, वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है।